पर फिर बुरखा भी पहनो, ऐसा किसी ने कहा कभी फैमिली में कि नहीं उर्फी बुरखा क्यों नहीं पहनती? बचपन में, या बुरखा एज इन हिजाब एंड लाइक कवर माई हाँ चेस्ट एंड ऑल, बट आई वाज लाइक आई गॉट गुड सेट ऑफ बूब्स मैन, आई डोंट वांट टू ओह माय टॉक अबाउट गॉड. व्हाट इज द इशू, व्हाट पीपल टेल व्हेन यू गो टू रेंट अ हाउस? क्या कहते हैं लोग आपको? लोग बोलते हैं कि तुम्हारे तो कपड़े कम है, और फिर यू नो सम पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद मी बीइंग अ मुस्लिम, एंड देन मुस्लिम्स हैव अ प्रॉब्लम विद मी बीइंग अ मुस्लिम टू, कि तू मुस्लिम होके ऐसे कैसे कपड़े पहनती है. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिजाब की अहमियत और हिजाब की इफादियत पर. जदीद तहकीक हिजाब के मुतालिक क्या कहती है और कुरान क्या कहता है. इटालियन साइंसदान फ्रांसिस्को रेड्डी ने सन 1886 ईस्वी में एक तजुर्बा किया. उसने कच्चे गोश्त का एक टुकड़ा लेकर उसे इतना उबाला कि गोश्त के सभी जरासीम ख़त्म हो गए. फिर उस गोश्त को तीन बोतलों में तकसीम कर दिया. पहली बोतल का मुंह खुला छोड़ दिया, दूसरी बोतल का मुंह बारीक मलमल जैसे कपड़े से बांध दिया, और तीसरी बोतल का मुंह पार्चामेंटेड कागज़ से बांधा जिससे हवा भी उसमें दाखिल ना हो सके. चंद अय्याम के बाद पहली बोतल में जिसका मुंह खुला हुआ था मक्खियों के अंडे देने और दूसरे जरासीम के दाखिल होने से गोश्त बदबू देने लगा. दूसरी बोतल जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा था उसमें छोटे छोटे जरासीम पैदा हो गए, मगर तीसरी बोतल जिसको पार्चामेंटेड कागज़ से बांधा गया था गोश्त ज्यों का त्यों बना रहा. इस तजुर्बे से ये मालूम हुआ कि अगर औरत तीसरी बोतल के गोश्त की तरह हुस्न व हया के पर्दे में रहे तो उसके हुस्न व जमाल और इस्मत में किसी किस्म की खराबी वाकई नहीं होती. तो आइए देखें इस ज़िम्न में कुरानुल करीम की क्या हिदायत है. और ए नबी, मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं बावजूद इसके कि जो खुद जाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहें और अपना बनाव सिंगार गैर महरमों को ना दिखाएं. यहाँ पर इस्लाम आपकी हिफाजत करना चाहता है, पाबंदी नहीं लगा रहा. साइंटिफिक एतबार से हिजाब जिस्म की तपिश को कम करता है. मेडिकल टेस्ट के रिज़ल्ट बताते हैं कि 40 से 60% गर्मी सर के ज़रिए जिस्म में दाखिल होती है. हिजाब चेहरे बल्कि पूरे जिस्म को सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों के नुकसान से महफूज रखता है. हिजाब फिज़ा में मौजूद जरासीम और गर्दो गुबार से जिल्द की हिफाजत करता है. चेहरे पर होंठ इंसान के जिस्म पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स में से एक हैं, यानी हसास और पुरकशिश अज़ा हैं. होठों में तकरीबन 1 मिलियन आसाब हैं जिनकी हिफाजत के लिए प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन यानी हिफाजती झिल्ली नहीं होती. फैक्ट्स के मुताबिक होठों का ताल्लुक जिंसी कशिश में शामिल है. यही वजह है कि जब कोई मर्द किसी औरत से मुखातिब होता है तो चेहरे पर कम और होठों पर ज़्यादा नज़र रखता है. होठों के पुरकशिश होने की वजह से भी गैर महरमों के ख्यालात में वाहियात किस्म की तब्दीली रूनुमा होती है. यही वजह है कि इस्लाम ने हिफाजती इकदाम करते हुए हिजाब लाजिम करार दिया ताकि बेहयाई से बचा जा सके और औरत अपने पुरवकार किरदार को बुलंदी पर ले जा सके. बाकिरदार ख्वातीन के मुतालिक डॉक्टर आई जाफरी ने अपने मजमून औरत पर तारैना नज़र, जो 1986 में जालौन से सलामो पयाम रिसाले में शाया हुआ था, उसमें लिखा है, यह हकीकत है कि औरत को अगर उसकी फितरत पर छोड़ दिया जाए तो हमारी निगाह मरियम जैसी माँ, खदीजा जैसी बीवी, फातिमा जैसी बेटी, जैनब जैसी बहन और राबिया बसरिया जैसी जानिसार खातून पर जाती है जिनकी पाक दामनी पर इस्मत मलाइका भी रश्क करती है. मुझे उम्मीद कवी है कि इस नज़रिए पर हमारी मुस्लिम ख्वातीन ज़रूर गौर करेंगी. जहाँ तक हिंदुस्तानी आइन का ताल्लुक है तो हमारे आइन में हर कौम को अपने मजहबी लिबास को ज़ेब तन करने की पूरी इजाज़त है. इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स मुअतरिज़ होता है तो वो गैर जानिबदार, गैर पढ़ा लिखा और जाहिल है. वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला.